हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस मोदक। और मोदक बनाने के लिए मैंने लिया है खोया, और मैंने लिया है बूरा। इलायची, चाहे तो आप इलायची पाउडर ले सकते हैं, चिरौंजी और खोया की। और मैं बना रही हूँ गैस मैदा की मोदक। तो गैस मैंने ली है मैदा, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मोदक बना रहे हैं तो ज़्यादा मैदा ले सकते हैं उसी क्वांटिटी के अनुसार। और मैंने खोया एक कटोरा समथिंग खोया लिया है, और मैंने एक कटोरा रवा लिया है। तो गैस खोया को सबसे पहले गर्म करेंगे और इसको गुलाबी, हल्का सा गुलाबी भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। सो गाइज, अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और गणेश जी आप सभी का मंगल करें। तो चलते हैं गाइज मोदक कैसे बनाएंगे, चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे और रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे खोया। इस तरीके से खोया को गुलाबी भूनेंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे ताकि खोया जले नहीं। जब ये थोड़ा सा गर्म होगा तो पिघल जाएगा, इस तरीके से फोड़ लेंगे। इस तरीके से गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको गुलाबी भून लेंगे ताकि इसका खोए का कच्चापन निकल जाए और ये हल्का सा गुलाबी हो जाए। इस तरीके से प्रोसेस से बनाएंगे आप गैस, तो आपके मोदक खराब नहीं होंगे। इस तरीके से गैस खोया को गुलाबी हल्का कर लिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और कढ़ाई में ना लगे। और गैस को लो फ्लेम पर ही इसको इस तरीके से भूनना है, और ये अच्छे से भून चुका है और गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसको ठंडा कर लेंगे, और गरम में चीनी नहीं मिलानी है। अगर बूरा जो है पिसा हुआ मैंने लिया है तो इसको अगर गर्म में मिला देंगे तो ये पिघल जाएगा। तो गैस इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, तो इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। सो गैस खोया जब तक ठंडा हो रहा है तब इलायची को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, बूरा अलग रख लेंगे, और जो चिरौंजी इसको भी अलग रख देंगे। सो गैस सबसे पहले मोदक बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। मैदा गाइस अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, मैदे को पहले सबसे पहले छान लेंगे, और अगर आपके मोदक ज़्यादा बन रहा है तो उसी क्वांटिटी के अनुसार आप मैदे को गूंदिए। तो गाइस मैंने मैदा को अच्छे से गूंदने के लिए, तो अब प्रोसेस आप मोमोज की तरीके ही बनते हैं ये मोदक। मोदक गाइस आपके बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, तो इसलिए मैंने इसमें डालूंगी मोहन। तो मोहन मैंने एक कटोरी लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। और मोहन परफेक्ट है, तो आप इसके लिए लड्डू बनाकर जब इस तरीके से देखेंगे तो मोहन आपका परफेक्ट है, नहीं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आधा कटोरी इसमें ऑयल और पड़ेगा, तो समथिंग इसमें 1.5 कटोरी मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इस तरीके से जब लड्डू बनाएंगे तो ये परफेक्ट इस तरीके से बन जाता है, तो मोहन परफेक्ट है। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे, और इसका डो उसी तरीके से तैयार करना है जैसे पूड़ी का डो तैयार करते हैं। तो डो को बिल्कुल ढीला नहीं कीजिएगा गैस, और जैसे परफेक्ट आप इस तरीके से बहुत अच्छे से गूंदिएगा तो आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे मोदक। तो गैस डो तैयार कर लेते हैं पूड़ी के तरीके, डो जैसे पूड़ी वाला तैयार करते हैं। तो गैस इस तरीके से फटाफट थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो गैस डो इस तरीके से परफेक्ट तैयार हो गया है, और इस तरीके से थोड़ा डालेंगे पानी, और
पूरी के तरीके थोड़ा कर्रा ही आटा मारना है। अगर गीला हो जाएगा तो मोदक आपके बिल्कुल बेकार बनेंगे। परफेक्ट डो तैयार हो गया है। और इसको डो तैयार करने के बाद इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में बाद इसको सेट हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया अच्छे मोदक बनकर तैयार होंगे। सो गाइस डो परफेक्ट तैयार हो गया है और इसको ढक देंगे। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। सो गाइस खोया ठंडा हो गया है। इसमें डालेंगे गाइस बूरा पिसा हुआ, तो क्वांटिटी से डालेंगे जितना खोया है उससे थोड़ी सी ज्यादा बूरा डालेंगे। तो जितना खोया मैंने लिया है उतनी ही मैंने बूरा ली है, समथिंग आधी। इसमें डालेंगे चिरौंजी, इलायची का गाइस पाउडर बना लेंगे। इससे इलायची से गाइस खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो गाइस इलायची के जो छिलके हैं वो चाय में आप डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, छिलके नहीं डालना है, केवल उसका अंदर के बीज डालना है जो आप दे सकते हैं इस तरीके से। सो गाइस इलायची पाउडर है ये, वो इसमें डाल देंगे। इन सबको गाइस अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों हथेलियों से इस तरीके से। पहले खोए को महीन महीन कर लेंगे ताकि इसमें जो दुरदुरी काठी जैसी होती है वो ठीक हो जाए। तो इस तरीके से मैंने खोए को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें रवा जो है इस तरीके से मिला देंगे। तो बूरा आप चाहें तो, अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप मिक्सी में चीनी को ग्राइंड कर सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। तो बूरा जो है बिल्कुल जैसे रवे होता है, रवे की तरीके लगती है, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। सो गाइस इस तरीके से मैंने मोमोज के अंदर मोदक के अंदर भरने के लिए इस तरीके से बना लिया है। और चाहे तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, मोदक बहुत ही बढ़िया लगते हैं इसके अंदर, खोए वाले मोदक आप बना सकते हैं। तो मोदक का शेप देकर इस बेल कर भी आप बना सकते हैं। चाहे तो आप इसके खोया के जो बर्फी होती है इसके अंदर इस तरीके से भर लें और इस तरीके से मोदक बन जाते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं मोदक। और रवे के भी मोदक बन के तैयार हो जाते हैं। जब इसको टाइट करके इस तरीके से भरेंगे तो बहुत ही बढ़िया बन के शेप आता है मोदक का। ये आप देख सकते हैं कि मोदक किस तरीके से बन जाता है। तो गाइस अब बनाते हैं मैदे का मोदक। अंदर की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है, खोया और बूरा की। एक कटोरी में 1 चम्मच मैदा ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो इसमें मोदक बनाने में थोड़ा सा आसानी मिलती है। और इसको चिपकाने के लिए चारों तरफ राउंड लगा देंगे और इससे मोदक चिपक जाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका घी खराब हो सकता है। तो इस तरीके से गोल हमने तैयार कर लिया है। तो गाइस मोदक बनाने के लिए डो आधा घंटा हो गया है, इसको दोबारा से ठीक कर लेंगे। तो ये परफेक्ट डो बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइट मैंने गूंदा है। तो गाइस मोदक बनाने के लिए मैंने लिया है चक्का बेलन और जो डो तैयार किया था इस तरीके से इस पर रखेंगे और इसकी लोई तैयार कर लेंगे। इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे, इसकी तोड़ लेंगे। जिस
जितना बड़ा आपको मोदक बनाना है उतना शेप दे सकते हैं, इस तरीके से लोई मैंने तैयार कर ली है। इसको बेलेंगे, जितना पतला बेलेंगे गाइस उतना ही अच्छा मोदक बनेगा। चाहे तो आप इसको मोमोज की तरीके आप बना सकते हैं। तो ये ले लेंगे अंदर, जो मैंने स्टफिंग अभी तैयार की थी इसके अंदर इस तरीके से रख लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे जो मैंने अभी घोल तैयार किया था, इधर चिपका लेंगे चारों तरफ और इसको इस तरीके से मोमोज की तरीके बना लेंगे। ऊपर की जो मैदा है इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये दूसरे मोदक में काम आ जाएगी। तो ये गाइस आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट मोदक बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से गाइस सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। ऊपर का जो मैदा है बहुत ही कम रखना है, नहीं तो यहाँ पर ये मोटा लगेगा, बहुत ही बेकार लगेगा। तो आप गाइस देख सकते हैं कि परफेक्ट मोदक बनकर तैयार हो गया है। और इसके मोदक की ज़्यादा अच्छी डिजाइन देने के लिए कांटा ले लेंगे और कांटे को इस तरीके से दबा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि गाइस बहुत ही बढ़िया शेप बनकर आता है। तो ये परफेक्ट मोदक बनकर तैयार हो गया है। तो गाइज इस तरीके से मोदक सारे बनाकर तैयार कर लेंगे जितना मैंने डो तैयार किया है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मोदक कितने अच्छे बने हैं। और इसको जितने बनाएंगे और उसको ढककर रखना है ताकि ये बीच में चटके नहीं। अगर ये ढककर नहीं रखेंगे तो ये आपके मोदक खराब हो सकते हैं और ये आपका घी खराब हो जाएगा। तो जब घी खराब हो जाएगा तो मोदक आपस में चिपक जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो गाइज आपको मोदक बनाने की ये ट्रिक कैसी लगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे मोदक मैंने बना लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑफ करेंगे और इस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है। गैस को थोड़ा सा लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें मोदक डाल देंगे। सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने मोमोज बनाते हैं उसी तरीके से मोदक मैंने बनाए हैं और बहुत ही इजली बहुत जल्दी बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और खांचे में गैस रवे के बन पाते हैं और ये वाले मोदक उसमें नहीं बन पाते हैं। तो गैस इस तरीके से एक एक करके इसमें डाल देंगे। गैस को ऑन करके हैं और हाई फ्लेम पर रख दिए हैं इस बार गैस को। और जब हाई फ्लेम पर जब अच्छे से पकने लगेंगे तो इसको लो फ्लेम पर कर देंगे। अभी इसी तरीके से तलने देंगे और इसको अभी कुरचली से नहीं चलाना है। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। इसको धीमी आंच में इस तरीके से पकाएंगे ताकि मैदा है अंदर अच्छे से पक जाए। अब इसको इस तरीके से पलट देंगे, चेंज कर देंगे। सारे मोदक इस तरीके से पलट देंगे। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मोदक कितने अच्छे से बन रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मोदक तल चुके हैं और इसको निकाल लेंगे और ये गुलाबी हो चुके हैं। इसी तरीके से बनाना है। चलने देंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे।
देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे मोदक बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से और जो मोदक रखे हैं वो भी बना लेंगे। बड़े मोदक डाल दिए हैं और इसी तरीके से तल लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आप गाइस मोदक बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और इस तरीके से आप बना सकते हैं मोदक और पापा के लिए भोग लगा सकते हैं। सो गाइस आपको मोदक की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरीके से गाइस आप पापा के लिए भोग लगा सकते हैं और आपको कमेंट में जरूर बताइएगा और प्रसाद पाइएगा भोग लगाकर। तो गाइस अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर नए हैं मेरे चैनल को देखना तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और इस तरीके से खोया और मावा के मोदक बनके परफेक्ट तैयार हो गए हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री गणेश। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।